रेडी होने के बाद ऐसे इसका लुक आएगा। यहाँ पे आ जाता है इसका ही टेम्परेचर। वॉलमार्ट से सारा सामान जो हमने शिप कराया था वो आ चुका है और अब हम एक एक करके सारी चीज़ें खोलेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे जो है वो ग्रिल की है, लेकिन ये भी हमें मैंने जैसे बताया था उसके अंदर ही $50 में निंजा का हमें मिला और ये वैसे ऑब्वियसली 99 ऐसे इसके प्राइस होते हैं, लेकिन अभी ये है कि चेक करते हैं कि आया वही चीज़ है या नहीं या बाकी निंजा जो है यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रांड है और बड़ी पावरफुल 1000 वाट की है ये। वैसे 500 वाट की मिल रही थी हमें 30-35 में, लेकिन ये $50 में 1000 वाट की हमको मिली है। ऐसे है ये रिलीज़ करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। इसके अंदर 3 जो है वो ब्लेड्स हैं, इससे ये है और इजीली जो है वो आपकी स्मूदीज वगैरह और जो भी चीज़ ब्लेंड करनी है वो उसमें ब्लेंड कर सकते हैं। पल्स भी है, लो मीडियम हाई 3 इसकी जो है वो स्पीड्स हैं। और इधर यहाँ पे मेजरिंग जो है वो लिखा हुआ है, इसमें एटलीस्ट जो है वो 2 लीटर तक जो है वह हम इसमें रख सकते हैं स्मूदीज़ वगैरह के लिए और कोई भी चीज़ आपको जूस वगैरह बनाने कोई और वैसे भी जैसे अगर आपको कोई भी लिक्विड आइटम इसमें ब्लेंड करना है तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड जो है वो 3 किस्म के हैं तो बहुत ईजीली जो है वो फास्ट फॉरवर्ड जो है ना वो इसके अंदर वर्लपूल बड़ा अच्छा बनता है तो बहुत इजीली जो है वो आपका काम आसान हो जाता है। 1000 वाट की है तो इसकी वजह से और ज़्यादा ही पावरफुल। उसके बाद आ जाती है हमारी एयर फ्राई की। एयर फ्राई भी हमने ब्लैक फ्राई की डील में लिया है और काफ़ी अच्छा ह्यूज साइज़ जो है हमें 14 क्वार्ट का जो है वो हमें ये मिल गया है और काफ़ी सारी इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें बन सकती हैं। और ऑब्वियसली ये भी डील में मिला तो जो है इसके प्राइस भी हमें $60 में मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने बड़े पोर्शन के अंदर जो इसके प्राइजेज जो हैं वो दूसरी कंपनीज के 150 तक भी हैं और हमें इतना बड़ा 14 क्वार्ट का जो है वो $60 में मिल गया है। तो इसको फिर निकालते हैं, चेक करते हैं। ये टच स्क्रीन LCD है, डिस्प्ले इसका बड़ा ईजीली यहाँ पे अच्छा सा आएगा। अभी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से ये सारी ट्रे वगैरह जो इन्होंने दी हुई हैं सब बिल्कुल रखी हुई है। और एयर फ्रायर का मकसद ही यही है कि इसके अंदर ऑयल आप बिल्कुल जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं उसके अंदर ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा और आपके प्रोडक्ट जो भी आप उसमें बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। यहाँ से डिस्प्ले भी आ जाता है जो चीज़ आप यहाँ पे मोस्टली चीज़ें तो वैसे भी स्टोव वगैरह इलेक्ट्रिक का ही होता है, गैस क्योंकि यहाँ पे अमूमन लोग यूज़ नहीं करते, होती है घरों में, लेकिन इलेक्ट्रिक के चूल्हे इलेक्ट्रिक के ओवन वगैरह होते हैं ये भी इलेक्ट्रिक ही है। बैक साइड पर इसके यहाँ से हीट जो है वो निकलने के लिए थोड़ा सा इन्होंने वेंटिलेशन दी हुई है तो इसको ऑन करते हैं फिर अब। तो यहाँ मैंने इसको टर्न ऑन किया और बड़ा अच्छा सा लोगो यहाँ पे बना आ रहा है जो विस्क होती है उसका। फिर यहाँ पे ये पावर का बटन है बेसिकली, इसको टच करते हैं तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें बनी आ रही हैं कि एयर फ्रायर फ्राइज तलने हैं आपको, पकाने हैं आपको, विंग्स हैं, बेकन है, सी फूड में सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, बेकिंग करनी है कोई, रोस्ट करना है, ब्रॉयल भी है, हाइड्रेट भी करना है, खाली रीहीट करना है किसी चीज़ को और मतलब एज अ माइक्रोवेव भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ये एक्चुअली देखा जाए तो छोटा सा कन्वेक्शन जो है ना ये ओवन है, क्योंकि इसके अंदर अंदर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो फैन लगा हुआ है, छोटा सा एक फ़ैन है इसके अंदर, फैन और हीट मिलके जो है उस चीज़ को जो है वो पका देती है इसमें, क्योंकि ऑयल की बचत आ जाती है, क्योंकि जो भी आपकी चिकन या जो भी चीज़ उसमें पका रहे हैं उसमें ऑयल जो लगा हुआ है उसी से ही बस ये पक जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो जनरेट होगी फैन के थ्रू और जल्दी जो है वो कुक हो जाएगा नॉर्मल चीज़ों नॉर्मल ओवन से ज़्यादा जल्दी। और इस तरह से सारी चीज़ें हैं, प्री हीट भी हो जाएगा, एज अ माइक्रोवेव भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइट है, सारी चीज़ें हैं। तो फिर इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई चीज़ आपको पका के दिखाएंगे। अभी चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ये लास्ट चीज़ थी, इसको मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी सेफ रखना है, वापस है मैं नेक्स्ट उसमें यूज़ करूँगा। और वैसे नॉर्मली $30 का हमें मिलता है लेकिन ये अभी मुझे $20 में मिला है और इसके अंदर ये सारे जो हैं पायरेक्स के जैसे फेमस है, इस तरह एंकर हुकिंग भी यहाँ पर फेमस है। तो ये जो है वो ग्लास हैं, इसके अंदर ये सारे जो है वो कप्स के ये सारे, तो ये ग्लास स्टोरेज है और अच्छे खासे मतलब इसमें 30 पीस हैं टोटल ना, छोटे भी हैं, 3-4 किस्म के इसके अंदर साइज है। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ग्रिल, इसे हम पाकिस्तान में अंगीठी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये खोलते हैं, ओए ओए जबरदस्त,
डोर्स होंगे इसके, तो इसको जो है वो पूरा हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट 5 फीट तक की होती है। तो पहले मैं इसको रेडी करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाते हैं। कितनी हिफाजत से एक एक नॉब इन्होंने जो है ना पैक करके सारी चीज़ें हैंडल्स वगैरह सब इन्होंने दिया है, और बहुत अच्छे से मतलब आया। बस इसको हमें असेंबल करना है, फिर असेंबल की वीडियो बनाते हैं। सर पूरी रेडी होने के बाद ऐसे इसका लुक आएगा। यहाँ पे आ जाता है इसका ये टेम्परेचर, इधर होगी सारी, और जो स्पेयर में आपने रखना है ऊपर की साइड पर रख सकते हैं। और इस साइड पे आ जाता है हमारा राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा बर्नर, तो ये चीज़ आपको सॉस वगैरह रेडी करना है उसके लिए, उसका ये अलग है। बाकी ये चार इधर हैं, नीचे स्पेस है थोड़ी सी, स्टोरेज भी कर सकते हैं वैसे तो, और एक्चुअली ये साइलेंडर के लिए है। और ये इसका वो आ गया। अब आ जाती है ट्रे का, ट्रे बैक साइड पर है इस तरह से, पीछे ये ट्रे से बाहर आ जाएगी। और ये यहाँ पे जो भी ऐश वगैरह अगर गिरेगी तो इसमें गिर सकती है कोई चीज़ें वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा गार्बेज गिरता है जैसे, तो ये एज इट इज़ ऐसे करके बाहर आ जाएगा। वैसे तो ये हैंडल है इसका पकड़ने के लिए।